नमस्कार, वंसल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सेहत और स्वाद से भरपूर फूल गोभी के टेस्टी पराठे की रेसिपी लेकर आए हैं, जिनको घर में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए है फूल गोभी। इसको नमक के पानी में हमने धो लिया है, अभी ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट करेंगे। हमने गोभी को ग्रेट कर लिया है। अब गैस पर एक पैन रखें और पैन में ऑयल डालें, ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड करें जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, सौंफ, हींग पाउडर, हल्दी पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर। अब जो हमने गोभी को ग्रेट किया था, गोभी इसमें डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर। इसमें ऐड करें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, चिली फ्लेक्स। सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 2 मिनट के लिए स्टफिंग को ढककर रख दें। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस ऑफ कर दिया है। अब इस पर ऐड करें हरी धनिया पत्ती और मिक्स कर दें और अब स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दें। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और हमने डो बनाकर भी तैयार कर लिया है। जिस तरह से हम पराठे के लिए सिंपल डो बनाकर तैयार करते हैं, उसी तरह से डो बनाकर तैयार किया है। अब इससे लोई बनाएं, इसको आधा बेलें और जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसको इस पर रखें और फोल्ड करें। फोल्ड करके सूखा आटा लगाएं, फिर से बेल लें। अब हमने गैस पर पैन रख दिया था, पैन गरम हो चुका है। इस पर पराठा डालें, 2 मिनट के लिए सिकने दें और फिर पलट दें। 2 मिनट हो चुके हैं, अब पराठे को पलट दें। इस पर ऑयल लगाएं, फिर से पलट दें और दूसरी साइड भी ऑयल लगाएं। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेकें। देखिए पराठा सिक चुका है, अब इसको सर्व करें। देखिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट फूल गोभी के पराठे बनकर तैयार हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में रखें, घर में कोई गेस्ट आए तो बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।